सो सबसे पहले लकड़ का काम स्टार्ट हुआ क्योंकि लकड़ के काम के बाद ही बाकी काम स्टार्ट हो पाएंगे। कल मेरा एग्जाम है, पहला एग्जाम है। ओह स्ट्रेस। सो लकड़ का काम स्टार्ट हो गया था, बिजली वाले ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया था, तो धीरे धीरे सारे काम स्टार्ट हो चुके थे। सो अब हम आए थे यहाँ पे लाइट्स देखने क्योंकि मुझे अपने वहाँ की स्टूडियो की लाइट्स चेंज करनी थी, फैंसी लाइट्स देखनी थी थोड़ी, तो यहाँ पे हम लाइट्स वगैरह देखने आए हैं। और मैंने अपने स्टूडियो के सारे A to Z सारे काम, सारे बिलिंग वगैरह सब कुछ मैंने खुद देखा यार। मतलब इतनी बड़ी होगी मैं कि सारी चीज़ें मैंने अपने स्टूडियो की खुद से की। दिन के 4 से 5 चक्कर मार्केट के ना ज़रूर होते थे, स्कूटी लेके मैं निकली ही रहती थी। उसके बाद मैं सनमाइका लेने गई तो मैंने वही भैया को सनमाइका का कलर दिखाया। आपको मैं साइड में दिखा भी दूंगी वीडियो, जब मैं सनमाइका लेने गई थी तो वहाँ पर मैं जाके कलर फाइनल करके आई। सनमाइका वाले भैया ने मेरा इतना दिमाग ख़राब किया। हर एक वर्क ने बहुत दिमाग खराब किया, सच बता रही हूँ। पर सनमाइका वाले भैया ने बड़ा बेकार किया मेरे साथ। उनको दिन में इतने फोन करती, मैं उनको इतनी विनतियाँ करती, भैया प्लीज मेरी ओपनिंग होने वाली है, प्लीज भिजवा दो। धक्के से मैंने इतनी रिक्वेस्ट किया ना उनको, दिन वो लारे। एक तो ना ये लोग वर्कर्स जो भी हैं ना, जिन से मैंने सामान लिया, इतने लारे लगाते हैं। जिनसे मैंने चेयर्स ली है ना, उनसे मैंने एक सोफा भी बनवाया था, अभी तक वो सोफ़ा नहीं आया। मेरी ओपनिंग हुए 1 हफ्ता हो चुका है, अब तक वो सोफ़ा नहीं आया। और भैया ने मुझे कहा था कि आपकी ओपनिंग से ना मैं पहले आपको सोफ़ा आपके स्टूडियो में पहुंचा दूंगा, अभी तक वो सोफ़ा नहीं आया। आप इमेजिन करो कि कितना दम्मा खाऊ वाली चीज़ें होती हैं ये सब। एग्ज़ाम्स ना होते ना तो थोड़ा मेरा स्ट्रेस कम होता। तो एग्ज़ाम्स और काम, मुझे था कि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो तो मैं नेक्स्ट डे बस यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाऊँ, मतलब अपना काम स्टार्ट कर लूँ। इसीलिए मैंने एग्ज़ाम्स के टाइम पे काम चला के रखा। मेरे पापा ने तो मना भी किया था कि तू एग्ज़ाम्स दे ले आराम से, फिर हम काम चालू कर देंगे तेरे वहाँ का। मुझे था कि नहीं, मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, मुझे वहाँ पे काम मेरे को चालू करवाना है, काम भी चलता रहेगा, मेरी पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो मैंने ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस खुद से ही ले रखा था, खुद ही। काम और पढ़ाई दोनों एक साथ चलाना बहुत मुश्किल हो गया था एक टाइम पे मेरे लिए, पर फिर भी चलो मैंने जैसे कैसे हैंडल किया। तो दिन में मैं वहाँ पे काम कराती थी और रात को मैं पढ़ाई करती थी। रात को 2-3 बजे तक बैठ के मैं पढ़ती थी। मैं कहाँ 10-11 बजे सोने वाली बंदी रात तक बैठ के पढ़ी हूँ। यहाँ पे POP का काम स्टार्ट हो चुका है, चेयर्स भी आ चुकी हैं। सो लगभग काफ़ी काम हमारा कंप्लीट होने लग गया है। अब चेयर्स आ चुकी हैं, POP हो चुका है, लक्कड़ का भी ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब तो काफ़ी काम हो चुका है। POP के लिए हमने 4 लोगों से बात की होगी, कम से कम 4 POP वाले बुलाए। कोई कह रहा हम 5,000 लेंगे, 6,000 लेंगे। यार आपको मैं आपका वॉल का डिज़ाइन लगा दूंगी साथ में, क्या कि इतनी सी POP करने के 6,000-7,000 मतलब ऐसे मांग रहे थे। फिर लास्ट में एक वर्कर आया, उससे थोड़ा सा बात बारगेनिंग कर करके वो कहीं जाके माना। फिर शुक्र है मेरी लास्ट में मुझे सिर्फ यही था कि ऐसा ना हो कि चारों दीवारों पे अलग अलग पिंक कलर दिख रहे हैं, एंट्रेंस डोर पे अलग पिंक दिख रहा है, वॉल पे अलग, चेयर्स अलग, वो ये वाली वॉल अलग, कर्टन्स अलग। ऐसे मुझे बहुत डर लग रहा था कि अलग अलग से पिंक ना आ जाए, रंग बिरंगे से पिंक, मतलब पिंक में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, लाइट डार्क। तो मुझे यही था कि ऐसा ना हो जाए मेरे साथ कि सारी वॉल्स पे अलग अलग टाइप के पिंक कलर आ गए। तो थैंक गॉड, भगवान का तो बहुत साथ रहा मेरे साथ। 100% यही मानती हूँ कि भगवान का साथ था ना साथ में, तो ही ये पॉसिबल हो पाया, वरना मतलब हमारे बस में कहाँ होती हैं ये सब चीज़ें। सो ये है वो POP वाली वॉल जो करनी थी। सो हम हफ्ते में एक बार वहाँ जाके सफाई ज़रूर करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद फैला देते थे वर्कर्स, और हम अपनी काम वाली आंटी को अपने साथ ले जाते थे और ख़ुद भी वहाँ पे जाके सफाई करते थे क्योंकि हमारा खुद की जगह यार, खुद से खुद की जगह को साफ़ करने में कोई शर्म नहीं है, तो वी डोंट केयर, दैट्स इट। और फिर आप सफाई के बाद देख सकते हो बहुत हद तक
साफ लग रही है जगह। और ये मेरा एसी आ चुका था, एसी की क्लिप्स डिलीट हो गई जहाँ से मैंने एसी ख़रीदा था, तो एसी देखने भी मैं खुद गई थी और बिलिंग भी मैं वहाँ से खुद करा के आई हूँ। सो ये अभी मैं गीज़र लेके जा रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि रोज के मेरे ऊपर नीचे के इतने चक्कर लगते थे यहाँ पे। और अब काफ़ी हद तक मेरा काम यहाँ का स्टूडियो का कम्प्लीट होने लगा है, क्योंकि ओपनिंग का डे बहुत पास आने लगा है अब, और सब काम हम ओवर टाइम करके पूरे करवाए हैं हमने। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से व्लॉग कर रही हूँ इस वीडियो के लिए। सो आज बहुत दिनों बाद मैं सोचा कि थोड़ा सा और बता दूँ कि क्या क्या काम चल रहा है। तो वैसे तो आप लोगों ने सारा कुछ वीडियो में देख लिया होगा अब तक क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या काम चल रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपडेट अपने आप भी आकर दे देती हूँ मैं। तो इतना हैट्रिक ये वीक है ना, मतलब आई जस्ट कांट इमेजिन कि कैसे क्या कब कैसे होगा, क्योंकि मेरे को इस संडे ओपनिंग करनी है और आज है मंडे, तो बिल्कुल इस टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं बचा किसी भी काम के लिए। और मुझे इतना कुछ करना है अभी, इतना कुछ काम पेंडिंग है, वो सब मुझे इस वीक में कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी 15-20 दिन जा चुके हैं। मुझे और टाइम नहीं वेस्ट करना, और इस संडे मुझे ओपनिंग करनी है, तो इतना प्रेशर है इस टाइम काम का, और काम इतना धीरे चल रहा है, इतना स्ट्रेसफुल है ना सब कुछ, मैं बता भी नहीं सकती मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। 9:30 बजे मैं स्टूडियो पे चली गई थी और 1-2 बजे वापस घर आई हूँ, और अभी 3 बज रहे हैं और अभी फिर से मैं जा रही हूँ। सिर्फ 2 घंटा मैं घर पे बैठी हूँ, ऊपर से मंडे है, फास्ट है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर है ना काम का, मैं मतलब बता भी नहीं सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकती ना मैंने सोचा था, क्योंकि मे भी शायद ये लास्ट वीक है, क्योंकि मुझे ओपनिंग करनी है, तो बिल्कुल काम फिनिशिंग मतलब बिल्कुल काम मुझे इस हफ्ते में चाहिए ही चाहिए, तो बिल्कुल एंड मोमेंट वाले जो काम होते हैं वो हो रहे हैं इस टाइम पे, और वो करवाना बहुत ही मुश्किल है, वर्कर से काम करवाना बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत मुश्किल। तो अभी देखते हैं, आज मैंने इतने काम किए ना, मैं गिनवा भी नहीं सकती कि कितने काम किए हैं। एसी वाले को बुलाया है, सनमाइका वाले मतलब जो वुडन का काम है उनको फ़ोन किया है, वो हमारा काम नहीं करके दे रहे थे, उनको इतने कॉल्स किए हैं एसी वाले को, विजिटिंग कार्ड वाले को, फ्लेक्स बोर्ड वाले को, और पता नहीं किस किस को, हाँ पेंट वाले को, पीओपी वाले को, प्लम्बर को, मतलब मैं तो जस्ट होप कि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट होए। और अभी भी इतने सारे काम रहते हैं, अभी जा रहे हैं हम पेंट उठा के लाना है, कर्टन्स का ऑर्डर दे के आना है, विजिटिंग कार्ड को देख के आना है कैसा बना है, एक सोफा चाहिए वो डिसाइड करके आना है, आर्टिफिशियल प्लांट्स चाहिए मुझे वो चाहिए, इतना कुछ काम है। मैंने पूरी लिस्ट नोट्स बना रखे हैं कि अभी जाके और क्या क्या काम करके आना है। और इतनी गर्मी, इतनी धूप, और ये ना बारिश टाइम इतना मुश्किल है इतनी धूप में, और स्कूटी पे मैं वैसे घूमती हूँ और शक्ल की हालत आप देख ही सकते हो इतनी बुरी हो रखी है ना, क्योंकि रोज के डेली के 5-6 चक्कर धूप में गर्मी में लग रहे हैं, तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है। एंड रिजल्ट अच्छा हो तो ये जो मेहनत कर रहे हैं वो वर्थ इट हो जाएगा। सो इसी होप से बस काम को करते जा रहे हैं। और सो ये अब हम देखने आए थे पर्दे, देखने आए थे तो ये पर्दों का गोदाम है जहाँ पे थोक के भाव में पर्दे मिलते हैं, आई थिंक ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, तो यहाँ पे हमें वैसे पसंद नहीं आए, फिर हम दूसरी शॉप पे देखने गए थे कर्टन्स, तो यहाँ पर ये वाले कर्टन्स पहले ही आते ही हमें पसंद आ गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी जो थीम है उससे मैच कर रहे थे, तो हमने ये वाले कर्टन्स फिर फाइनलाइज़ किए थे, बहुत ही पसंद आए थे। उसके बाद मैं विजिटिंग कार्ड वाले पर आई थी, विजिटिंग कार्ड करवाना था मुझे, एक्रेलिक वर्ड्स जो मेरे नेम लिखा हुआ है ऐश्वर्या सैनी वो वाला मुझे करवाना था। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी धूप हो रही है, और मैं इस टाइम दोबारा से मार्केट के लिए निकली हूँ, आई थिंक 4-5 बज रहे होंगे, तो इतना धूप गर्मी होती थी उस टाइम पर। और यहाँ पर पेंट का काम चल रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, हमने पेंट भी मंगवा दिया था, और बिजली का काम स्टार्ट हो गया है, सो बिजली वाले ने भी काफ़ी हद तक काम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ही दिया था अपना, सो अब तो फाइनल टच पे चल रहा है सारा काम। और मेरे स्टूडियो से व्यू बहुत अच्छा आता है बाहर का, जैसे आज बारिश का मौसम था तो बैठ के यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ से मेरे स्टूडियो से बाहर का व्यू। सो वॉलपेपर वाले भी नेक्स्ट डे शाम को आ गए थे, तो वॉलपेपर लगना भी स्टार्ट हो गया है अब, सो इनका भी आज रात तक काम चलने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी लेट आए हैं तो रात तक काम चलता रहेगा इनका। सो अब काफ़ी हद तक लुक आने लगी है स्टूडियो की, मेरा स्टूडियो जैसा लगने लगा है फाइनली, मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हुई है कि जल्दी ही काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी 2 दिन बाद ओपनिंग है, तो काम का इतना प्रेशर है, सामान कभी बिजली वाले का, कभी
लकड़ वाले का, पर्दे वाले का, कुछ कुछ सामान सबका कुछ ना कुछ दिक्कत होता रहता है। कोई हायर नहीं करा कि जो मेरा कोई सामान संभाले, मतलब इतना कोई बड़ा स्टूडियो था नहीं कि मेरे को किसी को हायर करना पड़े और वो सारा काम करवा के दे दे मुझे, तो खुद ही मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। तो इतना ज़्यादा वर्क लोड हो रखा है इस टाइम। मैं अभी 12 बजने वाले हैं और मैं सुबह 9 बजे से लगी हुई हूँ, मतलब 2 दिन बाद ओपनिंग है, तो इस टाइम तो बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। सफाइयाँ भी करवानी है और बारीकी वाला इतना सारा काम पेंडिंग है ना, बस पूछो मत। तो बस अभी मैं जाती हूँ, अभी भी बहुत काम है। अभी फिर से मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा सा सामान एक्सचेंज वगैरह करवाना है। इतना ज़्यादा काम हो रखा है ना, कल रात भी आप यकीन नहीं मानोगे 10 बजे मिस्त्री गए हैं वहाँ से वॉलपेपर कंप्लीट करके। तो कल रात भी 10 बजे मैं वहाँ से स्टूडियो को बढ़ा के आई हूँ। तो मतलब इतना ज़्यादा हो रखा है, आज भी देखते हैं ओवर टाइम करवा के कंप्लीट करवाना ही है अब तो, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 1 महीना हो चुका है काम चलते चलते। तो अब तो यही है कि जल्दी से जल्दी काम को पूरा करवाएं। और बस अभी मैं जाती हूँ, फिर से मुझे मार्केट जाना है, अभी थोड़ा और सामान करके आना है, एक्सचेंज वगैरह करके आना है। तो थोड़ा सा अभी फिर से मार्केट जा रही हूँ, तो अभी मैं लेट हो रही हूँ, तो बाद में मिलते हैं, बाय बाय। सो कर्टेंस लगने स्टार्ट हो गए थे, वॉलपेपर का काम भी स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ा आज सफाइयों का काम स्टार्ट हो जाएगा। चेयर्स का भी पेंडिंग है और ये प्लांट्स में जाकर ढूंढ कर स्पेशली खुद जाकर लेके आई हूँ, इतने प्यारे क्यूट से प्लांट्स हैं ये। और कर्टेंस का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बिजली का भी हो चुका है, वुडन का भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है, पेंट का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब ये मेरे नेम के वर्डिंग्स लगाने लग रहे हैं भैया, तो ये वाला काम भी अब कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट सफाइयों का काम रहता है, कल तो ओपनिंग है, इससे नेक्स्ट डे तो ओपनिंग थी। तो आप मेरी शक्ल देख लो, क्या हालत हो रखी है मेरी शक्ल की। और सफाइयाँ भी हमने ऑलमोस्ट करवा दी हैं, बस अब थोड़ी सेटिंग करनी है क्योंकि कल ओपनिंग है, तो आज सेटिंग करनी है। कल सुबह हवन भी है, इसलिए हमें आज ही सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। सो हेयर वी गो। सो फाइनली मेरा जो ड्रीम स्टूडियो है वो तैयार हो चुका है, जो मैं इमेजिन करती थी हमेशा, वो फाइनली तैयार हो चुका है और वो बहुत बहुत प्रीटी लग रहा है। जो मैं इमेजिन करती थी उससे भी ज़्यादा अच्छा है ये, और जो मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है वो फाइनली वर्थ इट हुई है। फाइनली मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी तैयार हुआ है, और जो भी मैं कर सकती थी अपने स्टूडियो का, अपने बजट में रह के मैंने जो भी कर सकती थी मैंने वो पूरा ट्राई किया है। एंड आई होप आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे। तो मुझे तो ये तो था कि आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे, पर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, उससे भी ज़्यादा प्यार मिला है मुझे जब मैंने ये अपनी रील, फर्स्ट रील स्टूडियो की पोस्ट की थी। तो आप सभी लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिखाया था। मैसेजेस आए मेरे पास इतने व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मुझे बहुत मैसेजेस आए कॉन्ग्रेचुलेशंस की, और बहुत अच्छा अच्छा बोला लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेरे अगर फॉलोअर्स में अगर 1000 फॉलोअर्स भी हैं ना, और अगर मेरे व्हाट्सएप पे 50-60 लोग भी हैं ना, तो वो जेन्युइनली इतने अच्छे लोग हैं ना, मुझे भी नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि अगर तुम्हारे 1000 फॉलोअर भी हैं ना, असली फॉलोअर्स होने चाहिए, असली प्यार देने वाले फॉलोअर्स होने चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। और मेरे पास जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, बड़ा ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक हफ्ता वक्त कैसे गया मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ऐसे ही प्यार देते रहना, जैसे आपने प्यार स्टार्टिंग में दिखाया जब मैंने स्टूडियो ओपन किया था, बस हमेशा ऐसा ही प्यार रहे। मुझे सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी कोई इंटरनेशनल ब्रांड यूज़ कर रहा है, किसी के 30-40K फॉलोअर्स हैं। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनके पता नहीं कितने के में फॉलोअर्स हैं। बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे जो 1-2 हज़ार फॉलोअर्स हैं ना, वो मुझे सच में दिल से प्यार करते हैं, और बस आगे भी ऐसे ही दिल से प्यार करते रहे। मेरे को सिर्फ मेरे वो 2 हज़ार फॉलोअर्स ही प्यारे हैं, मुझे नहीं चाहिए वो लाखों की दुनिया। जो जेन्युइनली आपके वेलविशर हों, आपको सच में प्यार करें, मुझे सिर्फ मेरे वो 2 हज़ार फॉलोअर्स ही प्यारे हैं, और वही चाहिए सिर्फ, और उनका प्यार चाहिए। तो जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत मेहनत लगी है, सीरियसली मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मुझे जबकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे साथ इतना कोई स्ट्रॉन्गली नहीं खड़ा था, मैंने अकेले देखा है सब कुछ, तो मुझे सिर्फ बड़ी मेहनत लगी है, बड़ा हार्ड वर्क लगा है। सबका लगता होगा यार, सबका लगता होगा, मुझे नहीं पता सबकी कहानी, पर मेरी जो कहानी थी मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट बता दी है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं छूट भी गई होंगी, क्योंकि उस 1 महीने में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ,
बहुत कुछ हुआ, बहुत से भी ज़्यादा बहुत कुछ हुआ। तो सब कुछ मैं ऐसे एकदम बैठ के नहीं बता सकती और बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई होंगी बीच में जो कि हुई हैं। तो पर जितना मैं बता सकती थी मैंने आप लोगों को अपनी स्टोरी बताई, अपनी कहानी बताई कि मैंने कैसे कैसे करा सब कुछ। अभी भी मैं अकेली बैठी हूँ, रोज़ मैं अकेली होती हूँ। हाँ, शाम को कभी एक दो काम आ जाता है तो थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। वैसे अभी एक हफ्ता ही हुआ है तो इसे टचवुड 7 दिन में से 4-5 दिन मैं बिजी ही थी। तो भगवान और आप लोग ऐसे ही साथ देना ताकि मैं बिजी रहूं आगे, पर मैं वीडियोस भी लाती रहूं। मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूं। और बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं इतना ज़्यादा किसी से बात करती नहीं हूं, शेयर नहीं करती हूं। अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूं यूट्यूब पे, जिस पे मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर पा रही हूं। खुद पता चला, आप घर से निकलोगे ना आपको सब कुछ मिल जाएगा, मार्केट में सब कुछ पता चल जाता है। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे कैसे मिलेगी शॉप, कैसे पता चलेगा। पहले मैं सोच रही थी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाऊँ, उनको पूछूँ कैसे होता है, घर वालों से पूछा कि कैसे ढूँढूँ, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो अगर आपके घर वाले भी नहीं आपको साथ दे रहे, पर अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो खुद से जाओ, खुद से अगर तुम्हारे दिल में है कि तुम्हें ये चीज़ करनी है तो तुम्हें यार सब चीज़ें अपने आप होती हुई दिखती जाएंगी। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे काम कैसे करना है। मैंने एक एक सिंगल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ मैं खुद से जाके ढूंढ के लेके आई हूँ अपने स्टूडियो के लिए, क्योंकि मेरा काम था, मुझे करवाना था। मेरे घर वालों ने भी इतनी ऐसे कोई हेल्प नहीं की, मतलब मेरे पापा करने को सब इतने, मेरे पापा खुद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं, वो करने को वो मेरे को हर चीज़ करवा सकते थे, पर उन्होंने मुझे किसी चीज़ में हेल्प नहीं की। सीरियसली कह रही हूँ, उन्होंने मुझे किसी चीज़ में हेल्प नहीं की। मेरे किसी भी, मतलब मेरे स्टूडियो के पूरे स्टूडियो के काम में उन्होंने मुझे किसी चीज़ में हेल्प नहीं की। उनको था कि तुझे करना है तो खुद कर, और वो सही थे। अगर मैं उनकी हेल्प लेती तो मैं आज इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाती कि मैंने खुद से सब काम किया है। मुझे होता कि हाँ मेरे घर वालों ने हेल्प की है, ये किया है, वो किया है। अब मैं खुद कह सकती हूँ कि मैंने खुद से जगह ढूंढने से लेकर एंड तक का जो भी काम था ना, जो भी आज ये स्टूडियो है, वो मैंने खुद से अपने आप किया है, ठीक है। तो आपको भी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको साथ ज़रूर लगेगा किसी न किसी का आपके साथ, मतलब होना, जैसे मेरे साथ मेरी मम्मी थी या मेरी फ्रेंड थी, ऐसे करके मतलब एक आधा बंदा आपको चाहिए होता है अपने साथ सपोर्ट में। तो एक आधा बंदा आपके सपोर्ट में हो, दैट्स इनफ, ठीक है। उसके बाकी तो करना तो आपको ही है। देखो, मैंने भी पहले अपने घर वालों के भरोसे बैठी थी कि मुझे कोई शॉप ढूंढ के देंगे, SEO ढूंढ के देंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो मैं खुद निकली मार्केट, मुझे कुछ नहीं पता था, 0 अंडा हूँ मैं बात करने में और सब कुछ करने में, फिर भी मैं निकली, ढूंढा, पता किया। कुरुक्षेत्र की इतनी सारी मार्केट्स में गई, खुद जाके पूछा, पता किया, और आज फिर मैं खुद अपना स्टूडियो ओपन कर पाई हूँ खुद से। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, मेरी जर्नी कैसे रही है। बहुत मुश्किलों की रही है पर बहुत मज़ेदार रही है। फर्स्ट बस ये होना चाहिए, आपको प्राउड, अपने लिए प्राउड फील होना चाहिए, लोगों को आप पे प्राउड फील होना चाहिए कि आपने जो किया, जैसे किया, बहुत अच्छा किया। जैसी भी रही हो जर्नी, मुश्किल आसान जैसे भी रहा हो, ऊपर नीचे जैसा भी रहा हो, लास्ट में बस आपको सब कुछ एंड रिजल्ट वर्थ इट लगना चाहिए, अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। बस ये सब किया है और सुकून मिलना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, जो कि अब मुझे मिल रही है, खुशी भी मिल रही है। बस अब आप लोगों का थोड़ा सा प्यार चाहिए, जो कि मुझे पता है आप लोग ज़रूर दोगे, अभी तक भी दिया है और आगे भी देते रहना। सो यही थी बस मेरी एक छोटी सी वीडियो, जिसको मैं फाइनली आज एडिट कर दूंगी और एक दो दिन में आ भी जाएगी। और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ लोग तो मुझे बताते हैं इन पर्सन आके कि हमें अच्छी लगती है तेरी वीडियोस। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरी जर्नी कैसी लगी वो भी बताना। थोड़ी मुश्किल थी पर मज़ेदार थी। सो अब इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ अच्छे नोट पर। बस आप लोग सपोर्ट करना, प्यार देना मेरे काम को, बस यही चाहिए मुझे आप लोगों से। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे भी मैं इससे भी अच्छा अच्छा काम करती रहूँगी। अभी के लिए बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत कुछ मैंने आज बता दिया, कुछ मिस हो गया होगा तो नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊँगी ज़रूर। सो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियो डाली है तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। सो अब बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।